नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला हो चुका है। हम सीधे अपने साथी निखिल के साथ रुक करेंगे कि कहां पर कौन सा जो है उम्मीदवार जीते हैं, कौन हारे हैं, बताइए जी। बिल्कुल, पटना साहिब की यदि हम बात करें तो पटना साहिब में नंद किशोर यादव जो बीजेपी के हैं वे जीत चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को हरा दिया है। वहीं बात करें हम सकरा की तो सकरा में अशोक कुमार जो जेडीयू के हैं वे जीत हासिल किए हैं। वहीं उमेश कुमार राम जो कि कांग्रेस के हैं वे हार चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो वीरेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस से थे इन्होंने जीत हासिल की है। वहीं मंत्री रहे सुरेश शर्मा जो बीजेपी के हैं उनको हराया है। वहीं बात करें हम बहादुरपुर की तो वहाँ मदन सहनी ने जीत हासिल की है। मदन सहनी जदयू से आते हैं। वहीं बेनीपुर की बात करें तो विनय कुमार जो कि जेडीयू से हैं इन्होंने जीत हासिल की है, महागठबंधन के कैंडिडेट को हराया है। वहीं मनेर की बात करें तो भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं इन्होंने जीत हासिल की है, वहां एनडीए को करारी शिकस्त दी है। ये थे कुछ विधानसभा सीट के जो मुकाबले हुए हैं, जीत हार के जो मुकाबले हुए हम आपको दिखाएं। ऐसे ही आप मेरे साथ टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहिएगा। पल पल की खबर जो है आपको बिहार विधानसभा चुनाव की खबर हम आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।